आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी सुनील के साथ। कहते हैं सुख और दुख तो जिंदगी के साथी होते हैं। इस संसार में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसने सुख और दुख ना देखा हो। आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक परिवार की है जो दुख और संकटों से गुजर रहा है। एक माता पिता, उनका एक लड़का जिसका नाम योगेश है। इस दुख ने इनके घर में प्रवेश योगेश के जरिए किया है। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था तो एक आवाज से योगेश के पिता की आंख खुल गई। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसी आवाज है। उन्होंने योगेश की माँ को जगाया और कहा कि तुम ये आवाज सुन पा रही हो। माँ ने कहा, हाँ आवाज तो आ रही है मगर कहाँ से। दोनों उठकर अपने रूम से बाहर निकलकर उस आवाज के करीब गए तो पता चला कि ये आवाज योगेश के रूम से आ रही थी। पिता ने रूम का दरवाजा खोला तो सामने योगेश अपने हाथ से जोर जोर से दीवार पर मार रहा था। उसके हाथ से खून भी बह रहा था। उसके बावजूद योगेश लगातार दीवार पर जोर जोर से मारता जा रहा। ये देख उसके माता पिता सकते में आ गए। ये देखकर कि योगेश यानी एक आम लड़का इतनी जोर से दीवार पर आखिर कैसे मार सकता है, दोनों दौड़े दौड़े गए और उन्होंने योगेश को पकड़ने की कोशिश की मगर योगेश उनकी बस से बाहर था। उसने अपने पिता को जोर से धक्का मारा। वो थोड़ा दूर जा गिरे। वो उठ के आए और फिर उसे संभालने की कोशिश करने लगे। दोनों कहते रहे, योगेश क्या हो गया तुझे बेटा, क्या हो गया योगेश, क्या हो गया तुझे, होश में आ बेटा। उसने अपनी माँ को भी जोर से धक्का देकर दूर गिरा दिया और अपने पिता से कहा, भाग यहां से, निकल मेरे रूम से बाहर, निकल यहां से, निकल, कमीना है तू, तुझे मेरे रूम में आने की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही उसकी माँ और पिता दोनों के पांव से जमीन खिसक चुकी थी। योगेश के पिता भागते हुए गए और उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों को ले आए। सब ने मिलकर बड़ी मुश्किल से योगेश को पकड़ा और उसके पिता ने उसे जैसे तैसे नींद की गोली दी और योगेश को नींद आ गई। सब चले गए मगर उसके माँ बाप खुली आंखों में नींद लिए पूरी रात बैठ के निकाल दी। सुबह हुई, योगेश भी उठ गया। योगेश का बिहेव देख के लगा मानो कल रात जो हुआ उसका उसे पता ही ना हो। दिन बीत गया, रात हुई और रात होते के साथ ही एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई जो एक रात पहले इनके परिवार के साथ हुआ था। दिन बीतते के साथ साथ योगेश की हरकतें और बुरी होती गईं। उसके माँ बाप योगेश की ये हालत देखकर रात भर रोते और नींद खुली आंखों में लिए ही निकाल देते। कई डॉक्टर्स का इलाज भी योगेश के आगे हार मान गया था। एक दिन उसकी माँ और पिता दोनों एक पंडित के पास गए और पंडित को अपने घर की पूरी दास्ता बताई। उस पंडित ने आंख बंद की और कहा कि इतने टाइम बाद अब होश आया है तुम लोगों को, तुम्हारे बेटे के पीछे एक लड़के की आत्मा लगी हुई है। 12 साल से वो तुम्हारे बेटे के अंदर है और अब उसने तुम्हारे बेटे के शरीर में पूरी तरह से जगह बना ली है। योगेश के पिता ने कहा, प्लीज आप ही कोई उपाय बताओ, हम अपने बेटे को खोना नहीं चाहते।
पंडित ने कहा, यहां से कुछ ही दूरी पर एक शिवदासगढ़ नाम की जगह, वहां काले हनुमान जी का मंदिर है और एक पंडित भी वहीं रहता है। वो वहीं काले हनुमान जी के सामने ऐसे ही लोगों का इलाज करते हैं, इसे वहीं ले जाओ। मगर वो गंदी आत्मा तुम्हें उसे लेकर वहां जाने ही नहीं देगी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगले दिन शनिवार था और शनिवार को ही योगेश को लेके जाना था। सबने वहां मंदिर जाने की तैयारी कर ली। योगेश को पहले ही नींद की गोली देकर सुला दिया। योगेश के पिता और उनके एक करीबी तीनों शिवदासगढ़ के लिए निकल पड़े। रास्ते में जाते वक्त योगेश की नींद टूट गई और कहा, ये मुझे कहां लेके जा रहे हो? और अपने पिता से कहा, रोक गाड़ी, रोक, नहीं जाना मुझे तेरे साथ, रोक गाड़ी। योगेश अपने आपे से बाहर हो गया। उसके पिता ने गाड़ी रोकी और सब गाड़ी से उतर गए। उन्होंने योगेश को संभालने की कोशिश की। योगेश होश में आ, क्या हो गया तुझे? होश में आ योगेश, होश में आ, प्लीज योगेश होश में आ, क्या हो गया है तुझे? मत कर ऐसे बेटे, तू मत कर। योगेश कहता रहा, छोड़ मुझे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ले जाने की, छोड़। योगेश सुन हमारी बात, प्लीज मान हमारी बात, चल हमारे साथ, नहीं जाना मुझे तुम लोगों के साथ। योगेश सुनने को तैयार ही नहीं था और अपने पिता को जोर से धक्का मार दिया। उस करीबी का गला जोर से पकड़ लिया, इतनी जोर से पकड़ा कि वो अपने आप को बचा भी ना पाया। उसके पिता उठे और जमीन से मिट्टी उठाकर योगेश के सर पर काले हनुमान जी का नाम लेकर लगा दिया। इस तरह मिट्टी लगाते ही योगेश ने उनका गला छोड़ दिया और नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होते के साथ ही तुरंत वहां से निकल पड़े। मंदिर पहुंचकर पंडित से मिले और सारी बात बताई। पंडित ने योगेश को सामने बैठाया और मंत्रों का उच्चारण करने लगे कि अचानक योगेश के अंदर बैठी वो बुरी आत्मा सामने आ चुकी थी। पंडित ने कहा, कौन है तू? कहां से आया है? क्यों आया है? किसी ने तुझे भेजा है इस बच्चे पर? पता क्या चाहता है तू इस बच्चे के शरीर से? क्यों तूने इस बच्चे के शरीर को पकड़ा है? और सामने से एक जवाब आया, मैं इनके घर के पीछे ही रहता था, एग्जाम में इनके इसके नंबर अच्छे आए और मेरे काम, मेरे बाप ने मुझे पीटा और तनाव में आकर मैंने सुसाइड कर लिया और इस लड़के को बर्बाद करने को मैं आया। ये बातें सुन योगेश के पिता अचंभित हो गए, क्योंकि इस लड़के ने सुसाइड किया था उसका पता इन्हें भी था। आखिर उस पंडित ने योगेश को उस आत्मा से मुक्त कर दिया। दरअसल पहले पंडित ने योगेश के पिता से कहा था कि रास्ते में जाते वक्त अगर योगेश कंट्रोल से बाहर हो जाए तो जमीन से मिट्टी उठाकर काले हनुमान जी का नाम लेकर इसके सर पर लगा देना, यह तुरंत काबू में आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तनाव और डिप्रेशन एक समस्या है जिसमें इंसान अंदर ही अंदर घुटकर अपनी जान दे देता है। यदि आपको अपने किसी करीबी में तनाव दिखाई दे तो नज़रअंदाज करने की जगह उससे बात करें और उसकी मदद ज़रूर करें। हो सकता है आपकी मदद से उसकी ज़िंदगी बच जाए। मैं हूँ सुनील और ये थी
एक सच्ची घटना पर आधारित योगेश की कहानी।